हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरीडे यूज आइटम में। मैं ना कान्हा जी की पोशाक बना रही थी। कोई त्यौहार है, तीज त्यौहार उन्हें पहनाते हैं ना, तो ये थोड़ा भारी सा है। तीज त्यौहार पे पहनाने के लिए अच्छा सा पोशाक। देखिए इसमें अस्तर भी लगा है। वैसे बना रही थी ना, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं कान्हा जी के लिए और राधा रानी के लिए दोनों के लिए बना रही हूँ। ये मेरी एक पोशाक बन के तैयार है और मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कितना इसमें कपड़ा लिया है। ये देखिए इसकी नई चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई 21 इंच है। 21 इंच लंबाई है और मैंने इसके साथ अस्तर भी लिया है। मैंने इसी के अकॉर्डिंग में से कट कर लिया है। दोनों में से करूँगी, इसमें यहाँ सिलाई लगा दूंगी और लेस लगा दूंगी। नीचे मैंने चोली बना के रख ली है। ये चोली बनी रखी है, देखिए मेरे कान्हा जी राधा जी बड़े हैं तो मैं इसकी बड़ी पोशाक बना रही हूँ। देखिए 5 5 इंच की है तो 2.5 इंच का बन के तैयार। 5 इंच ये है और 5 इंच ये। मैंने इसमें दोनों साइड गोटा लगाया है, ऐसे कर इसमें भी अस्तर लगा हुआ है। ऐसे करके मैंने इसे तैयार कर लिया है। अभी मैं इसमें गोटा लगा के दिखाती हूँ नीचे से। देखिएगा मैंने इसमें इसे किनारे पर सिल लिया है अंदर साइड से, इसे ऐसे अस्तर से पलट लिया था दोनों किनारे को सिल के। और ये मैंने गोटा लगा लिया है एक किनारे इसके, यहाँ से लगा के इसे अस्तर को सिल के और फिर अंदर कर दिया था इसे। मैंने उसमें लेस लगा दिया। अब मुझे इसके साथ इसे अटैच करना है चुन्नट डालते हुए। अभी मैं अटैच करके बताती हूँ आप लोगों को। देखिएगा मैंने इसमें चोली अटैच कर दी है। अब जो भी जीएसटर कपड़ा है ना इसमें से इसे हम कट कर देंगे। देखिएगा मैंने इसमें से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर दिया है। इसे क्या कमर पे मोटा मोटा नहीं गया था और हमारे कान्हा जी को चुभता भी नहीं है। ये देखिए कान्हा जी की पोशाक बन के और राधा जी की तैयार है। दोनों पोशाक बन के तैयार है। आप लोगों को मेरी पोशाक कैसी लग रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताएं। वो भी तीज त्योहार है, जैसे अपन नए कपड़े पहनते हैं वैसे भगवान जी को भी पहनाना चाहिए। मैं हर तीज त्योहार पे अपने भगवान जी को नए कपड़े बना के और पहनाती हूँ, घर में बनाती हूँ, क्योंकि घर में जो बनाती हूँ तो ख़राब नहीं होते, धोने से कुछ नहीं होता उनका, ना ही लेसेस निकलती है, तो कुछ भी ख़राब नहीं होता। तो मैं जितने भी मेरे कान्हा जी के कपड़े हैं, राधा मैया के हैं, सारे मैं घर में ही बनाती हूँ और एकदम थोड़े से कपड़े में और आसान तरीके से बन जाते हैं। आप लेस लगा लो थोड़ी अच्छी सी तो बिल्कुल बाजार से भी अच्छी लगने लगती हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा सो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। मेरे ब्लाउज का कपड़ा था, मैंने ब्लाउज कट करके रख लिया, उसी में से एक कपड़ा बचा है, मैंने उसी में से बनाए हैं। जब मैं ब्लाउज लूँगी तो आप लोगों को उसका वीडियो ज़रूर डालूँगी मैं। अभी मैंने सिला नहीं है, रखा हुआ है मेरा। देखिएगा मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।